अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे बच्चों, आइए हम देखते हैं सबक नंबर 11, कदीम भारत और दुनिया। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि कदीम भारत और मगरबी ममालिक के ताल्लुकात किस तरह कायम हुए। प्यारे बच्चों, हड़प्पा तहजीब का नाम तो आप लोगों ने सुना ही है। हड़प्पा तहजीब के लोगों ने मगरबी ममालिक से तिजारती ताल्लुकात कायम किए। इस जमाने से भारत का गैर ममालिक से माशी और तहजीबी लेन देन जारी था। अफगानिस्तान और वस्ती एशिया में बुद्ध मजहब फैल चुका था। ईरानी सल्तनत के जमाने में भी भारत का मगरबी दुनिया से रब्त जब्त बढ़ने लगा। इस दौर के मौर्रखीन का भारत के बारे में तजस्सुस बढ़ने लगा। भारत से मुतालिक इनकी तहरीरों से मगरबी ममालिक को भारत का तारुफ हुआ था। आगे चलकर सिकंदर जिस रास्ते से आया था, वो रास्ता भारत और मगरबी ममालिक से तिजारत के लिए खुल गया। उसी तरह यूनानी मुजस्समा साजी के फन के जेर असर कुशान दौर में भारत में एक नए तर्ज फन को उरूज हासिल हुआ। इसको कंधार फन भी कहते हैं। कंधार तर्ज फन के तहत खास तौर पर गौतम बुद्ध की मूर्तियां तराशी गई। ये मूर्तियां बिलखसूस अफगानिस्तान के इलाके कंधार में दस्तियाब हुई, इसलिए इस तर्ज को कंधार तर्ज कहा जाता है। इस तर्ज की मूर्तियों के जो चेहरे मोहरे थे वो यूनानी चेहरे मोहरों से मिलते जुलते हैं। इब्तदाई दौर में भारत में बनाए जाने वाले सिक्के जो हुआ करते थे वो यूनानी सिक्कों के तर्ज के थे, उसी अंदाज के थे। तो इस तरह भारत और मगरबी ममालिक के ताल्लुकात कायम हुए। उसी तरह पहली दूसरी सदी ईस्वी के जमाने में भारत और रोम के दरमियान तिजारत को काफी फरोग हासिल हुआ। इस तिजारत में जुनूबी भारत की बंदरगाहों का बड़ा हिस्सा था। महाराष्ट्र में कोल्हापुर के मकाम पर खुदाई में कांसे की कुछ अशिया बरामद हुई। इनकी बनावट रोमन तर्ज की है। उसी तरह तमिलनाडु में अरिकामेडो के मुकाम पर भी खुदाई में रोमन बनावट की अशिया दस्तियाब हुई। दोनों मकामात पर भारत और रोम के दरमियान तिजारत के अहम मराकिस थे। ऐसे कई तिजारती मराकिस को जिक्र इस वक्त के अदब में पाया जाता है। इस तिजारत में मिस्र की अलेक्जेंड्रिया यानी के सिकंदरिया नाम की बंदरगाह बड़ी अहमियत रखती थी। अरब ताजिर भारत का माल सिकंदरिया तक ले जाते थे, वहां से वो यूरोप के मुल्कों में भेजा जाता था। अरबों ने तिजारत के माल के साथ भारत का फलसफा और साइंस भी यूरोप को पहुंचाया। रियाजी में सिफर का तस्वुर सारी दुनिया के लिए भारत की एक बड़ी देन है। अरबों ने इस तस्वुर से यूरोप को मुतारुफ कराया।